तो गाइज वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज मैं 2 महीने बाद आज एक और ट्रिप पे निकला हूँ जो कि लद्दाख ट्रिप पर है। और मैं अभी दिल्ली में हूँ फिलहाल। दो तीन दिन पहले मैं आ गया था और अभी ये बैग वगैरह तैयार कर लिए हैं और साइकिल अभी रूम पे ऊपर पड़ी है। तो सौदे माले से हम नीचे उतारेंगे, उसके बाद सामान वगैरह पैक करेंगे साइकिल पे और उसके बाद तो भाई बोले थे कि मार्केट में आके जाना, तो हम मार्केट जाएंगे अभी बैग वगैरह सब लेके। तो आगे की जर्नी हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी साइकिल वगैरह नीचे उतारते हैं और आप फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो भाई जब करोल बाग गए थे, करोल बाग में भाई सब मिल के स्वागत किया था हमारा माला पहना के। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और थोड़ी हेल्प भी की हमारी, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई को। और अभी उसके बाद में 2-3 घंटे वीडियो नहीं बनाया क्योंकि ट्रैफिक में फंसा था और बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, तो इसलिए वीडियो नहीं बनाया। अभी मैं आया हूँ चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे पे। तो यहाँ से हम जाते हैं लगभग बज के 4:30 बजे अभी। और इस रास्ते में मैं आ रहा था दिल्ली से, थोड़ा मतलब हाईवे से पहले एक भाई मिले थे, तो वो बोले कि खाना वगैरह खा के जाओ हमारे यहाँ शिव मंदिर पे, तो वहाँ पर शायद भोजन की व्यवस्था है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, खा के आ गए थे वहाँ पर। तो उन्होंने बोला और भी एक्स्ट्रा खाना ले जाओ साथ में, लेकिन मैंने बोला नहीं भाई आगे खा लूँगा। तो वहाँ से मैं निकल गया था। हमने अभी दिल्ली से 20-25 किलोमीटर बाहर आ गए, तो ये सामने एक पहाड़ जैसा दिखा, तो मुझे लगा कि पहाड़ होगा, लेकिन फिर बाद में पता चला कि यहाँ पर कचरे के बड़े बड़े ट्रक ला के यहाँ डालते हैं, इतना बड़ा ये पहाड़ बना लिया है। और अभी हम है चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे पे। तो एक भाई ने हमको अंगूर दिए थे, अंगूर, और हनुमान जी का मंदिर गया वहाँ पर प्रसाद में, केला मेरे को दिया था और ये माला वगैरह पहनाई थी हमारे को। और अभी हम हाईवे पे है जा रहे आगे, यहाँ पर सामने बहुत बड़ा तिरंगा है। अभी ये हाईवे बहुत ही ज़बरदस्त है, 8 लाइन हाईवे, 4 आने की और 4 जाने की। अभी जो पहले वाला रोड जो जयपुर से दिल्ली का बहुत ही ख़राब था, लेकिन अभी अच्छा मिला है, तो देखते हैं कहाँ तक अच्छा रहता है। तो गाइस यहाँ पर हम ब्रिज के ऊपर थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर साइड में। और ये हमारी साइकिल है ऑल इंडिया ट्रैवल, ये लोगों अभी पोस्टर बनाया हुआ है और पीछे सामान लगाया हुआ है ये, और ये हमारा तिरंगा, और सामने की साइड में एक बड़ा सा तिरंगा लहरा रहा है। और जस्ट पास में शनिदेव की बहुत ही बड़ी मूर्ति है। तो अभी 5 बज गए, चलते हैं आगे, देखते हैं कितना किलोमीटर आगे चल पाते हैं, कोई अगर होटल वगैरह या पेट्रोल पम्प पर रुकेंगे आगे देख के। गाइस जब भी हम दिल्ली से मतलब 40-50 किलोमीटर दूर आ गए थे, रूई से आगे ये मुठल गांव है, यहाँ से पहले एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पर हमने रात रुकने के लिए बोला था, तो वो बोले ठीक है रुकने दे देंगे, बोले कि 7-8 बजे तक वेट करो। तो अभी 1 घंटा बाकी, उसके बाद यहाँ पर टेंट वगैरह लगाएंगे, तो आज की रात यहीं पर बिताएंगे। तो गाइस यहाँ पर लगा था अभी टेंट।
तो गाइज ये है हमारा टेंट जिसमें हम आज रात सोएंगे, और ये वहाँ पर साइकिल रखी है, सारे सामान अंदर ले जाएंगे। ये अंदर से कुछ ऐसा दिखाई देता है, दो लोग आराम से सो सकते हैं। तो गाइज अभी हम टेंट के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पर सामान रखा है, ये बैग है, ये बैग है, और आगे स्लीपिंग बैग है। अभी इतनी गर्मी तो मतलब ठंडी तो नहीं है, तो रजाई वगैरह ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये सामने सोलर वाला सिस्टम है, और ये आलू चिप्स मेरे नमकीन लाई है, और ये पॉप लाया है, ये नाश्ता अभी खाएंगे, और ये अंगूर भी है वो भी खाएंगे। और यहाँ से जाली लगा दी ताकि मच्छर वगैरह नहीं आए, अगर गर्मी लगती है इसलिए जाली लगाई है। बाकी दो पेयर है, तो बाकी इसके दो लेयर है वो भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी हवा भी आएगी अंदर। तो अभी हम खाते हैं ये पॉप, इसके बाद